केंद्र सरकार ने एक चौंकाने वाला ऐलान किया है। मोदी सरकार अगले महीने संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है जो 5 दिनों तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर के जरिए इसका ऐलान किया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि यह ऐलान तब हुआ है जब मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लिखा है, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के लिए बुलाया जा रहा है जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान संसद के इस विशेष सत्र में सार्थक चर्चा होने के आसार हैं। गौरतलब है कि ये चुनावी साल चल रहा है। अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले राजनीति में अलग अलग घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने यह संसद का विशेष सत्र बुला लिया है। भारत सरकार इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही है जिसमें देश की आज़ादी के 75 साल पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है। यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस से लेकर संसद सत्र तक हर जगह विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र पूरी तरह से मणिपुर के मसले पर धुल गया था जबकि विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला गया था। मणिपुर के मसले पर ही विपक्ष के प्रस्ताव लेकर आया था जो कि संसद में ध्वनिमत से गिर गया था। इस दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जमकर एक दूसरे पर वार किए गए थे।